गुड इवनिंग माय ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी यस्टरडी मोटिवेशन। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिटेल एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर्स इन योर केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। ओके, सो क्लास 10th का आज से स्टूडेंट्स हम लोग अपना केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट, व्हाट इज द सिलेबस इन योर केमिस्ट्री फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। ओके, तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, दैट मीन्स आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स को अच्छे से कवरअप करना है। ओके स्टूडेंट, सो देखिए, आपका जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्पेशली आपको 4 चैप्टर्स अच्छे से स्टडी करने हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स? ओनली द 4 चैप्टर्स। सो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, एंड सेकेंड इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड थर्ड इज मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, एंड फोर्थ इज कार्बन्स एंड कार्बन्स कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, तो ये मेनली आपको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं आपको अपनी केमिस्ट्री में क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। ओके, सो देखिए, इन 4 चैप्टर्स में हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो रियली ऑल स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली, इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्टली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री, बिकॉज दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक नॉलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड अंडरस्टैंडिंग इन योर ऑल चैप्टर्स इन अ केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, सो डोंट स्किप द दिस वीडियोज एंड वॉच द दिस वीडियोज टिल द एंड, बिकॉज दिस वीडियोज इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर गुड प्रिपरेशन अ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट, सो डोंट स्किप, एंड आपको इस लेक्चर्स में स्पेशली स्टूडेंट पहले हम जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से ईजिली कवर कर सको अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। जो भी उसमें आपका कॉन्टेंट है, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ईजिली से अंडरस्टैंड कर सको, तो उससे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक्स नॉलेज पता होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली वही अच्छे से सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया सबसे पहले स्टूडेंट कि आपका जो केमिस्ट्री है क्लास टेंथ की केमिस्ट्री आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्लास टेंथ की केमिस्ट्री आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट, अगर स्पेशली इसमें हम लोग देखें तो आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपके केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सेकेंड चैप्टर्स जो है स्टूडेंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है आपको सेकेंड चैप्टर्स में पढ़ना है केमिस्ट्री में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड चैप्टर स्टूडेंट क्या है, थर्ड चैप्टर्स जो है वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड फोर्थ चैप्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन्स एंड
carbons compounds. Okay. So ये फोर चैप्टर स्टूडेंट आपको अच्छे से पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है. तो एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है आपका स्पेशली उसमें एक चैप्टर्स और हैं जिसको बोलते हैं पीरियाडिक टेबल्स एंड डेट एलिमेंट्स. तो ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है, कट हो गया है, तो ये रिड्यूस कर दिया गया. तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेनली यही फोर चैप्टर पढ़ने हैं. तो फर्स्ट चैप्टर क्या है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. एंड सेकेंड क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट. थर्ड क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन्स एंड कार्बन्स कंपाउंड. तो ये फोर चैप्टर्स आपको अपने केमिस्ट्री सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना है. क्लियर? सो देखिए, इतना आपको सिलेबस बताना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि आप अगर अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो, गुड प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या आप अपने स्कूल के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस का बिल्कुल आइडिया नहीं रखते हैं या सिलेबस के बारे में जानना जरूरी नहीं समझते हैं, एंड वो उस चैप्टर्स को भी अच्छे से कवरअप करते हैं, चैप्टर्स को भी अच्छे से रीड करते हैं जो कि उनके सिलेबस गिवेन ही नहीं है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना ही नहीं, तो जिसका वैल्यू ही नहीं है, जिसका आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही आपको नहीं फेस करना है, तो आपको वो चैप्टर्स बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है. ठीक है ना? तो इसीलिए बोलते हैं ना, स्मार्ट स्टडी अगर आपको करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना आपको आना चाहिए. तो स्मार्ट वर्क डेट मीन्स आपको कैसे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है. ओके? सो देखिए, जो अब क्लास टेंथ के हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आज से हम लोग का केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है. ओके? तो इसमें आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट इज योर केमिस्ट्री सिलेबस. तो इसमें क्या है, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ. आपको स्पेशली चैप्टर फोर्थ ही पढ़ने हैं. तो चैप्टर फर्स्ट में आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन. चैप्टर सेकेंड क्या है, आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट. चैप्टर फोर्थ मेटल्स नॉन मेटल्स एंड सॉरी चैप्टर थर्ड है ये. एंड चैप्टर फोर्थ क्या है, कार्बन्स एंड कार्बन्स कंटेनिंग कंपाउंड. ओके? सो फर्स्टली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट. ओके स्टूडेंट, सो ये चार चैप्टर्स आपको अच्छे से कवरअप करने हैं. तो आज हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो वो केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स द स्टार्ट योर केमिस्ट्री सिलेबस, द फर्स्ट चैप्टर्स केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस विथ मी. ओके? सो नाउ ऑल स्टूडेंट्स, इट्स रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओनली गिव द अटेंशन हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दीज पॉइंट्स, दीज टॉपिक्स. फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन इज द फर्स्ट चैप्टर इन योर केमिस्ट्री. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन द one and new substance, when the change of one and new substance in the form of another new substance during the chemical reactions, that means students, chemical reactions आपके ऐसी process होती हैं जिसमें आपका one and more substance change होते हैं and other one and more substance में and having a different characters, different properties and different compositions, जिसमें क्या होता है कि इनका compositions and properties different होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं chemical reactions.
सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर्स अब स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर्स में आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, फर्स्टली राइट विथ मी, आफ्टर देन आई विल डिटेल एक्सप्लेन ऑफ यू. ओके, सो देखो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है. द चेंज ऑफ The change of one or more substance into new substance having चलिए पेन चेंज कर लेते हैं हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज is called chemical reactions. Okay student, so देखिए chemical reactions क्या होता है. केमिकल रिएक्शंस में स्पेशली स्टूडेंट्स वन एंड मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो न्यू सब्सटेंस आपको फॉर्म्ड मिला है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, ये न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट होता है जब वो केमिकल रिएक्शंस के पहले होता है. ओके, जैसे कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होता है तो इसमें वन एंड मोर सब्सटेंस, when the change of one or more substance into a new substance having a different composition and different properties, that is called chemical reactions. तो उसी को ही student हम लोग क्या कहते हैं, chemical reactions कहते हैं. So वही यहाँ पे explain किया गया है, the change of, यहाँ पे देखिए explain किया गया है, the change of one or more substance. ओके, द चेंज ऑफ वन एंड मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, जो वन एंड मोर सब्सटेंस का चेंज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस. जो आपका केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इसमें होता क्या है स्पेशली कि आपका जो वन एंड मोर सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है न्यू सब्सटेंस में. और जब न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया है तो जो न्यू सब्सटेंस आपको ऑब्जर्व हुआ है, आपको जो मिला हुआ है, न्यू सब्सटेंस का कंपोजिशन एंड न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है उसका जो पहले की सब्सटेंस होते हैं. वही यहां पे लिखा गया है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसका डिफरेंट कंपोजिशन होता है एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. उसी को ही कहते हैं केमिकल रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट, सो इट इज अ वेरी इजी. देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए, वंस अगेन रिवाइज विथ मी. व्हेन एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, एनी स्टेट ऑफ मैटर्स, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हो, ओके, ये मैटर नहीं करता, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर आप यूज कर सकते हो. सो यू कैन से इन सिंपल वे, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शंस when one and more substance, when the change of one and more substance into new substance having different composition and different properties, that is called chemical reactions. तो उसे student हम लोग क्या कहेंगे, chemical reactions कहते हैं. okay, चलिए for example लेते हैं तो और ज्यादा आपको clarity आएगी. examples, okay, hydrogen and oxygen react with each other formed of water. देखिए
यहाँ एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी होगा स्टूडेंट व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। ये पूरा एक केमिकल रिएक्शंस है। इसमें स्पेशली हुआ क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट किए हैं। रिएक्ट का मतलब इनका आपस में रिएक्शन हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, प्लस का साइन है, मतलब आपस में रिएक्ट किए हैं, आपस में कंबाइंड हो गए हैं। आफ्टर दैट रिजल्ट में क्या फॉर्म हुआ है, वाटर। अब आप देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, आपस में रिएक्ट करते हैं, आफ्टर द रिएक्शन फॉर्म क्या होता है, वाटर, जो कि वाटर क्या है, एक लिक्विड है, वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको स्पेशली क्या नोटिस हो रहा है स्टूडेंट, कि चेंज जो हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब आपस में कंबाइंड होकर चेंज हो जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो स्पेशली इसमें आपको प्रॉपर्टीज चेंज दिख रही है एंड इनका कंपोजिशन चेंज दिख रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट कराने के बाद वाटर जो फॉर्म हुआ, तो अब वाटर का क्या है, कंपोजिशन भी इसका चेंज हो गया है एंड इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है। तो वही यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, द चेंज ऑफ वन एंड मोर सब्सटेंस इन एन अदर न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड बनाते हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, अब देखिए स्पेशली स्टूडेंट अब आपको ये नोटिस करना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीटिंग प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो कंप्लीट प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शंस में, तो उसमें कितने स्पेशली फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग वही देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हम लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर टू विजिबल? यस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है स्पेशली, केमिकल रिएक्शंस में स्पेशली थ्री फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट को स्टूडेंट बोलते हैं रिएक्टेंट, सेकेंड को स्टूडेंट बोलते हैं कैटलिस्ट एंड थर्ड को स्टूडेंट बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो कंप्लीट होते हैं मेनली इन्हीं थ्री फैक्टर्स से। तो सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, सेकेंड को बोलते हैं कैटलिस्ट एंड थर्ड को बोला जाता है प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, सो ये केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले प्रोसेस हैं। फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उनमें स्पेशली कितने पार्ट होते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं इसको, इसको रिमूव कर रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले लो, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड बाय मेनली थ्री पार्ट्स या फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट, जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपका केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस होता है कंप्लीटेड होगा मेनली थ्री पार्ट्स से, थ्री फैक्टर्स से। तो सबसे फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। व्हाट इज रिएक्टेंट? सो फर्स्टली राइट अबाउट व्हाट इज रिएक्टेंट। The substance which
take part in a chemical reaction, take part in a chemical reaction, in a chemical reactions that is called, are called reactant, are called reactant. So देखिए chemical reactions जो process होती है student वो specially three parts में complete होती है. थ्री पार्ट्स डेट मीन्स थ्री फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहला जो होता है स्टूडेंट डेट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं. तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट होते हैं, एक पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस कोई भी हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस में किस सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, स्पेशली क्या होता है किस सब्सटेंस के बीच में रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. रिएक्ट करने के बाद आफ्टर द रिएक्शंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस फॉर्म्ड ऑफ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उसी को ही बोलते हैं रिएक्टेंट. वही लिखा गया स्टूडेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, वे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं. क्लियर. एंड द सेकेंड इज प्रोडक्ट, सेकेंड इज प्रोडक्ट. सो व्हाट इज प्रोडक्ट, द सब्सटेंस the substance which are formed during a chemical reactions are called product. The substance which are formed during a chemical reactions, ऐसे substance जो कि formed हो रहे हैं chemical reactions के समय. So the substance which are formed during a chemical reactions, किसी chemical reactions के समय जो substance formed होते हैं, जो new substance की formation होती है, उसी को ही student हम लोग बोलते हैं क्या, product बोलते हैं. Okay. And the third is catalyst. क्या होते हैं, that factors are responsible for the increment that means increasing, यहां पे लिख लीजिए increasing increment या increasing the rate of chemical reactions. Chemical reactions. The factors are responsible for the increment या increasing the rate of chemical reactions is called catalyst. ऐसे factors जो कि chemical reactions के rate को increase कर दें, chemical reactions के rate को, the rate of chemical reactions को increase कर देते हैं, उसे बोलते हैं catalyst. तो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये स्पेशली क्या होते हैं कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की जो प्रोसेस है उसको स्पेशली इंक्रीमेंट करते हैं. कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि डिक्रीमेंट भी करते हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस को डिक्रीज कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो होते हैं वो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं फॉर द इंक्रीमेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस.
So it is all about of the catalyst, product and reactant. So these mainly three parts, reactant, product and catalyst. Reactant, product and catalyst is mainly and most important three parts which are combined to each other and complete the process of the chemical reactions during a chemical reactions. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट तभी होगा जब उसमें ये थ्री पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट. क्लियर? ओके, सो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट, द वन थिंग्स इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, सो इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं. देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, नोट डालकर लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस are affected by following factors. Okay student, so जो rate of chemical reactions होते हैं वो affected होते हैं कुछ factors से. तो वो कौन कौन से factor है? सबसे पहला जो student factors होता है वो है आपका physical state of reactant. And the second is temperature. प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. एंड थर्ड इज कैटलिस्ट. ओके स्टूडेंट, ओके, सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होता है, स्पेशली स्टूडेंट, तो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसको, बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. तो वो अफेक्ट करने वाले स्पेशली जो है अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सबसे फर्स्ट जो है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. आपने रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कौन सा यूज किया है? ओके, तो रिएक्टेंट, यू नो वेरी वेल, रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके आफ्टर द रिएक्शन न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. तो जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन है वो तो प्रोडक्ट है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है. तो स्पेशली आप रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो वो कौन सा फिजिकल स्टेट यूज कर रहे हो, तो ये अफेक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ये कौन सा फिजिकल स्टेट आप वहां पे यूज कर रहे हो. ओके स्टूडेंट, सो देखिए, जैसे कि आप फिजिकल स्टेट, आप सारे बच्चों को पता है थ्री फिजिकल स्टेट होते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का थ्री फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो रिएक्टेंट का आपने कौन सा फिजिकल स्टेट यूज किया, ये अफेक्ट करेगा. सेकेंड थिंग्स, रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, ये सारे फिजिकली क्वांटिटीज भी अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस. एंड थर्ड इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. ओके, सो ये स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स. ओके, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. सो देखिए, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, सेकेंड थिंग्स अच्छे से रिवीजन करोगे, एंड थर्ड थिंग्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे. ओके, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन एन अदर टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस. ओके,
So today is enough for you and thanks all of you.